तो यहाँ पर एक गाड़ी और ढकी हुई है, यहाँ नीचे कांच पड़े हैं। देखो ये गाड़ी भी पूरी तरह से डैमेज है, आप देखो इस तरीके से इसके कांच टूटे हैं, मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा। ये देखो ये गाड़ी भी पूरा डैमेज है, इधर से भी इसके कांच टूटे हुए हैं, ये घर ढका हुआ है, गाड़ी ढकी हुई है। और ये देखिए यहाँ पर एक टुकटुक है, इसका भी पूरा आगे का कांच तोड़ा है और इसकी लाइट भी फोड़ी है। और ये टुकटुक भी यहाँ पर देखा कांच अभी आप देख सकते हैं, ये देखिए नज़ारा है यहाँ का। तो अभी मैं और आगे चल के दिखाता हूँ यहाँ का क्या है सीन। ये देखिए यहाँ पर जिस तरह से आग जलाई थी, जिस तरीके से यहाँ पर रास्ता ब्लॉक किया गया था, ये वही एरिया है। ये देखो यहाँ पर विधायक निधि से ये देखो पेयजल का घुसाया था, यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, ये देखो विधायक निधि ने दिया था। ये अभी मैं वही एरिया दिखा रहा हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा आग लगी थी, पुलिस की बैरिकेडिंग है यहाँ पर। ये देखो पुलिस का जो ये बैरिकेड है इस तरह से जला है, ये देखो ये भी जला है इस तरीके से। यहाँ पर देखो पत्थर अभी भी पड़े हुए हैं, अभी भी ये साफ देखे जा सकते हैं। यहाँ पर देखो आग लगी है, तो ऊपर को दीवारें देखे आप और नीचे को तार लगे तार हैं। और यहाँ अभी भी जिस तरीके से आग लगी थी और उसका जो काला काला है, उसका जो राख है, वो अभी भी यहाँ पर ऐसी ही है। तो यहाँ का नज़ारा इस तरीके से है, मैं ज़रा ये गली दिखाता हूँ, ये गली कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ये अति समय ये देखो यहाँ पर लोग आना जाना कर रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पर हुआ था। और देखो पत्थर अभी भी यहाँ पर पड़े, ये वही पत्थर है जिससे लोगों को पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया था और यहाँ पर आग लगाई थी, उसके भी अभी अवशेष आप दे सकते हैं। रोड पूरी कितनी काली काली रोड। तो भाई अभी मैं हूँ यहाँ पर लाइन नंबर 17 में, और यहाँ पर रेस्टोरेंट हुआ करते थे और इस तरीके से माहौल है यहाँ अभी भी। ये देखो यहाँ पर भी टेम्पू तोड़ा है और एक टेम्पू ये भी तोड़ा हुआ है, ये देखिए। और यहाँ पर खाने के काफ़ी स्टॉल लगते थे और यहाँ पर भाई ने खोल दिया है, खोल दिया सर दुकान, खोल दिया जी। कितने दिन से खोला है ये दुकान? अच्छा ये सामने किसका, आप ही का है क्या? नहीं। अच्छा अच्छा जिस दिन यहाँ पर ये हुआ था उस दिन कहाँ गए आप, एकदम दुकान बंद करी या फिर ऐसे छोड़ छाड़ के चले गए? हम ऐसे हमने पहले देखा कि हम दुकान बंद कर गए, दुकान बंद कर गए। कितने बजे बढ़ाते हो आप दुकान यहाँ? हम 11 बजे बढ़ाते हैं। 11 बजे बढ़ाते हो, तो हमला तो पहले हो गया था जी, हमला फिर हम नमाज में थे। आप दुकान छोड़ के नमाज में गए हुए थे? ना भाई बैठा हुआ था दूसरा। अच्छा अच्छा, अचानक से वहाँ से आए तो फिर हम जो है सब अपना दुकान का उल्टा छोड़ छाड़ के ताला उला उल्टा लगा के घर को भाग। अच्छा अच्छा, तो जैसे उल्टा सुल्टा जैसे पड़ा था वैसे, उसके बाद आज ही देख रहे हो यहाँ जी। तो सामान कितना नुकसान हुआ आपका? सामान बहुत नुकसान, कुछ सड़ गया होगा जी, दो दो सब सड़ गया है। अच्छा अच्छा, ये दही सब निकाल के ये भी खराब हो गया ना आपका जी। अच्छा अच्छा, तो उस दिन उसके बाद आप घर पे कैसे रहे, आपने क्या सोचा कि दुकान में क्या हो रहा होगा ऐसा? दुकान में क्या, घर में ही थे, कोई हम बाहर नहीं निकले, कर्फ्यू लगा हुआ था। तो यहाँ पर कितना कितने लोग आए, आपने देखे किसी को? हमने नहीं देखा, हम तो अपने दुकान के चक्कर में वो भागम भाग, हम अपने सीधा घर भाग। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी हालात सब ठीक है, धीरे धीरे पटरी बाजार। ये किसकी दुकान है बगल में जो होटल है? ये उधर रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो खोल रहे नहीं खोल रहे अभी? वो नहीं खोल रहे अभी, सब ठीक है, जनजन सामान्य है, आ रहे हो जा रहे हो सब बढ़िया है ना, शांति। कहाँ थे जिस दिन यहाँ पर हमला हुआ, आप कहाँ थे? हम उस टाइम अपने घर पे थे। अच्छा अच्छा, कहाँ हुआ घर आपका? इधर नई बस्ती में। नई बस्ती में हुआ, तो आपको पता था यहाँ पत्थरबाजी हो रही है? पत्थरबाजी हो रही है, सब अपनी अपनी जगहों को भाग रहे हैं, पता नहीं कौन थे कहाँ थे। अच्छा, इधर गए। अभी सब ठीक है माहौल? माहौल अभी सही है, सब अपने घरों से आ रहे हैं, हम भी राशन निकाल रहे हैं। प्रशासन का भी सहयोग है, जनता के भी सहयोग है, सभी का सहयोग है, मतलब बढ़िया है यहाँ पर, शांति व्यवस्था बनाए रखिये, अच्छी तरह से रहिए, बढ़िया है, सबका सहयोग रहेगा। यही गढ़ बन गया है, यहाँ पे पालक का नाम लगा दिया गया और सब। मैं सुशीला तिवाड़ा में अपने नाती को लेके बैठा हुआ था, 7:30 बजे वहाँ से भाग के आया, अपनी फैमिली दोनों गई थी, इसलिए भी भाग के आया। तो ये पोजिशन थी, घर और दहशत था यहाँ पर, तो मैं घर पे पहुँच गया, ये फिर बाकी सहयोग मिला प्रशासन का, सही रहा। तो अभी जी हाँ होनी चाहिए, जिन्होंने ये करा है। हाँ कहाँ के वो लोग थे, कुछ पता चला आपको? ये तो नहीं पता, हम तो घर में। लोकल के थे या बाहर से आए थे? ये भी नहीं पता हमने देखा, हम तो सीधा जो है दुकान बढ़ा कर अपना घर को भाग गए। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है। फोटो दे रखे, फोटो दे रखे, 9 जनों का फोटो दे रखे हैं। पहचानते हो उनको आप जिनको फोटो दिए? नहीं है, हमारा तो हमारा रोडवेज का वास्ता है, हमारा कोई यहाँ इधर नहीं है, घर आते हैं चले आते हैं। ठीक, काम करना है। कितने लोग आप काम करते हो ये एरिया में? दो भाई। ये यहाँ पर टायर जला भी हुआ, ये उसी कढ़ाई का जला हुआ। अच्छा अच्छा, कितने, 9 लोग काम करते हो? ना दो जने, दो जनों का परिवार पलता है यहाँ पर। चलो ठीक है, आप
खोलिए दुकान, आशा करते हैं कि बढ़िया चले दुकान आपका, अच्छा रहे। तो अभी आप देखिए जो भी सामान है, धन्यवाद। अच्छा वो ये वाली जो बिल्डिंग है ये पुरानी थी, मतलब ये भाइयों की थी, तीन भाई है ना, तीन भाई थे, एक हिस्सा उनका था, दो हिस्से में उनके भाई रह रहे हैं अभी। हाँ, दो भाई। अच्छा और ये घर ये था इनका, तो मेन एंट्री यही था या पीछे से था? बैठे रहते, इसमें बैठे रहते थे। अच्छा ये बेटे का घर था। अच्छा, इसमें भी कुर्सी करी गई है। अच्छा कितना मंजिला है ये ऊपर तक? ऊपर दो मंजिल है। अच्छा इनकी फैमिली रहती थी यहाँ पूरी? फैमिली नहीं है, पहले रहती थी ना। अच्छा अच्छा, तो यहाँ का लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर इनकी फैमिली पहले रहती थी, अभी नहीं रहती है। और अंदर का थोड़ा मैं दिखाने कोशिश करूँगा। देखिए अंदर इस तरीके से नज़ारा है, सारे दरवाजे वगैरह खोले हुए हैं, बेड है अंदर, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा आपको कैमरे से, क्योंकि यहाँ पर जाली लगी हुई है, ये बंद है, तो मैं थोड़ा बहुत ही दिखा रहा हूँ। तो घर का नज़ारा इस तरीके से है, ये देखिए। तो ये आसपास का एरिया है, यहीं पर वो अब्दुल मलिक रहता था, ये किसी और का घर है, इसके इसका जो एक भाग है उसमें अब्दुल मलिक रहता था। तो यहाँ लोग अभी काम पे लग गए हैं, ये भाई ने ठेला तैयार कर दिया है। तो यहाँ के हालात कुछ इस तरीके से हैं, काफ़ी गंदगी है शहर में, और अभी धीरे धीरे यहाँ पर साफ़ सफाई होगा और नगर निगम साफ़ करेगी इसको, काफ़ी दिनों से बंद था तो यहाँ पर थोड़ा गंदगी है, लोग धीरे धीरे काम पर जा रहे आ रहे हैं, माहौल एकदम अच्छा बना हुआ है यहाँ पर। और ये सामने का बिल्डिंग दिख रहा है। नमस्कार सर, कैसा लग रहा है सर आज? कितने दिन से खुल गया मार्केट और आपको कैसा लग रहा है इतने दिन बाद? कितने दिन रहे आप कर्फ्यू में? लगभग 8 से 10 दिन रहे, तो कैसे कटी आपकी जिंदगी कर्फ्यू में? घर ही में थे। अच्छा अच्छा, क्या किया आपने कर्फ्यू के दौरान यहाँ पर? नहीं, मैं तो बाहर ही गया हुआ था। अच्छा अच्छा, बड़ी मुश्किल में आया। कब आए सर आप? 4-5 दिन पहले आया। अच्छा अच्छा, जिस दिन यहाँ पर दंगा हुआ आप यहीं थे? बाहर थे। आप बाहर थे ना, आपको नहीं पता। अच्छा अच्छा, आप लोग कहाँ थे जिस दिन दंगा हुआ था? घर पे। अच्छा अच्छा, यही यहाँ से भी हुआ था दंगा? नहीं, यहाँ कहीं नहीं हुआ। अच्छा ये एरिया में? ये एरिया में कहीं नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, वो एरिया में ही हुआ। वहाँ की यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ गाड़ी वाड़ी का? थोड़ा बहुत तो कर रही है। लोगों ने तो अभी यहाँ रात को पुलिस आ जा रही है? हाँ, रात को तो आया थी। कर्फ्यू हो जा रहा है ना पूरा? ऐसा कोई ऐसी वो नहीं है, नॉर्मल है सब। चलो तो यहाँ पर अभी सब नॉर्मल। कहाँ जा रहे हो भाई लोग? कहाँ से आ रहे हो? कैसा लग रहा है? सही, अच्छा है। आज घूम रहे हो पूरी गलियों में आज़ादी से, इतने दिनों से कैद से? तो क्या किया घर में? घर में कुछ नहीं, अपना स्कूल का करा घर में। अच्छा अच्छा, तो किताब किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग? अभी किताब किताब पढ़ो, स्कूल जाओगे हैं? हैं, अच्छा अच्छा। नमस्कार सर, कैसा लग रहा है आज? कल से कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है? गरीबों के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। नहीं नहीं, वो काली रात 9-10 दिन की, आज तक कभी ऐसा सोचा था? तो अभी दोषी के खिलाफ क्या कहना है आपका? जो दोषी थे, जिसने यहाँ पर इतना बड़ा उपद्रव मचाया, करा है, उन्हें होनी चाहिए। जो बेगुनाह है उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। बेगुनाह को तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी जो गुनाह है उसको सख्त सख्त सजा होनी चाहिए। कौन लोग थे वो लोग? ये गली में भी हिंसा हुई थी? नहीं नहीं, यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा यहाँ को नहीं हुई थी, मतलब चपेटे में आ गया ये भी? चलो ठीक है। अभी क्या काम करते हैं आप यहाँ? हम फ्रूट का काम करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, धन्यवाद।